तो गर्मी त्राहिमाम है और पानी का क्या इंतजाम है, यही जानने मुंगेली में INS 24/7 की टीम चिलचिलाती धूप में निकली और प्रशासन के इंतजामों का जायजा लिया। यूं तो कई कई प्रमुख स्थानों पर लाखों रुपए खर्च कर वाटर एटीएम लगाए गए, लेकिन रख रखाव के अभाव में ये कबाड़ बन चुके हैं। 40 डिग्री पार धूप में लोग पीने के लिए पानी तलाशते नजर आए। INS 24/7 की टीम ने कल परिसर से लेकर बस स्टैंड बाजार तक का जायजा लिया, लेकिन हालात सभी जगह जस के तस मिले। एनएच की टीम ने आज रियलिटी चेक कर रहे हैं कि इस गर्मी में, भीषण गर्मी में, पानी के लिए प्रशासन ने किस तरीके से इंतजाम है वो किए हैं। इस वक्त हम मुंगेली के कलेक्ट्रेट में मौजूद हैं, जहां पास आप देख सकते हैं कि यहां पास डीएमएफ के फंड से वाटर एटीएम का निर्माण जो है वो कई सालों से कराया गया है, लेकिन वाटर एटीएम जो है वो किस तरीके से संचालित हो रही है वो आपको तस्वीर दिखाते हैं। देखिए, जहाँ से एटीएम के लिए पैसे डाले जाते हैं वो, और पानी निकलने का कहीं पास भी कोई साधन जो है वो नहीं है। साथ में अंदर की तस्वीर हम दिखाते हैं कि अंदर लेकर चलते हैं कि आखिर इसके अंदर की तस्वीर हम दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं, बहुत बड़े अक्षर में बकायदा लिखाया गया है कि डीएमएफ के फंड से ये निर्माण किया गया है। वाटर एटीएम की दशा देखिए कि अंदर की तस्वीर हम आपको दिए दिखाएंगे। ये जिला का कलेक्ट्रेट है, जहां पास रोजाना जो फरियादी हैं वो सैकड़ों की संख्या में आते हैं, लेकिन पानी के कोई इंतजाम नहीं है। कबाड़ में तब्दील हो गए हैं, कहीं भी कोई इंतजाम जो है वो नहीं किया गया है। एटीएम के जो मशीन है वो खराब पड़े हुए हैं, तो सोच सकते हैं कि जिले में पानी के किस तरीके से इंतजाम है वो प्रशासन ने किए हैं। पानी का कहीं पास भी इंतजाम जो है वो नहीं किया गया है, तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि जो वाटर एटीएम लगाए गए हैं वहाँ रोजाना लोगों का आवाजाही होता होगा, लेकिन वहाँ उनके लिए पानी के किस तरीके से इंतजाम है, भीषण गर्मी में लोग जो हैं अपनी प्यास बुझा सकें। कैमरामैन नईम खान के साथ सैयद वाजिद, INH न्यूज़, मुंगेली।